भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मुकाबला जो नागपुर में खेला जाना है कुछ ही देरों में शुरू हो जाएगा। उससे पहले भारतीय टीम ने यहां पे टॉस गवा दिया, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम को यहां पे पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पहले वनडे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और वहां बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पे अब ऑस्ट्रेलियाई टीम रणनीति चेंज करती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव हुआ है। भारत का प्लेइंग 11 सेम है जो भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरी थी, दूसरे प्लेइंग 11 में भी उसी टीम के साथ उतरी है। और भारत के प्लेइंग 11 में है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे दो चेंजेस हुए हैं। शॉन मार्स की वापसी हुई है, वहीं नाथन लायन ये टीम से बाहर हैं, प्लेइंग 11 से बाहर हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में है उस्मान ख्वाजा, कप्तान एरन फिंच, शॉन मार्स, मार्कस स्टोनिस, पीटर हैंडसकम, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स केरी, नाथन कुल्टरनाइल, पैट कमिंस, नाथन लायन और एडम जाम्पा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या दूसरे वनडे मुकाबले में वापसी कर पाती है कि नहीं। वहीं भारत टीम की पहले बल्लेबाजी है तो बल्लेबाजी भी देखने की यहाँ पे जरूरत है कि इस तरीके से भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।